सामने गोली मारा साहब। दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। माफिया अतीक अहमद के बेटे और इस हत्याकांड के आरोपी असद अहमद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। असद के साथ दूसरे आरोपी शूटर गुलाम अहमद को भी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद लखनऊ से पूरी गैंग ऑपरेट करता था। असद ने लखनऊ के टॉप स्कूल से इसी साल 12वीं कक्षा पास की थी। उमेश पाल केस में असद द्वारा गोली चलाए जाने का वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद से ही वो पुलिस के निशाने पर था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम असद और गुलाम की पूरी कहानी को जानेंगे कि कैसे उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और अपने पिता के नक्श कदम पर आगे बढ़ा। साथ ही जानेंगे कि आखिर कैसे पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा। प्रयागराज के बिशप जॉनसन से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने वाला असद उस वक्त अपनी क्लास का टॉपर स्टूडेंट था, लेकिन इसके साथ साथ वो मिजाज का काफी गुस्सैल भी था। उसका गुस्सा घर के साथ अक्सर स्कूल में भी देखने को मिलता था। जब वो छोटा था तो स्कूल में एक रस्सा कसी प्रतियोगिता में अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस रस्सा कसी के मैच में उसकी टीम हार गई, जिसके बाद असद को इतना गुस्सा आया कि उसने मैच में रेफरी बने टीचर को ही पीट दिया। स्कूल प्रबंधन को माफिया के परिवार का इतना डर था कि उसने अपने टीचर की पिटाई की शिकायत थाने में भी नहीं की। स्कूली टाइम से ही असद अपने अब्बू अतीक अहमद के नक्शे कदम पर चल रहा था। इसके बाद असद ने लखनऊ के एक नामी कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की। वो पढ़ाई में काफी ठीक ठाक था और आगे लॉ की पढ़ाई करना चाह रहा था, लेकिन इसके लिए वो विदेश भी जाना चाहता था। पर अतीक अशरफ और उसके दोनों बड़े भाइयों के आपराधिक रिकॉर्ड्स के चलते उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पाया, जिसके बाद वो इंडिया में ही रह गया और अमित्या यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई जारी की। असद के पिता अतीक अहमद 5 बार विधायक रहने के बाद वर्ष 2004 में फूलपुर संसदीय क्षेत्र से अपना दल से सांसद बना था, जिसके बाद से लोग उसे सांसद जी कहने लगे थे। उसी आधार पर अतीक के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे असद अहमद को उसके गिरोह के लोग छोटे सांसद के नाम से बुलाने लगे थे। असद में बचपन से ही उनके पिता की झलक दिखती थी। वहां के लोग बताते हैं कि जब भी घर के आसपास बमबाजी की घटनाएं होती थी तो असद अहमद का भी मन ये सब करने का करता था। पर असद अहमद के पिता अतीक को बमबाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बम और बमबाजी के नफा नुकसान को अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए उसने असद को इससे दूर रहने की हिदायत दी। इसके बाद बेटी का लगाव पिस्टल से बढ़ा और वो शूटर बन गया। अतीक ने इसके बाद उसे कभी नहीं रोका। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के जेल जाने के बाद अतीक के बेटों ने परिवार का बिजनेस संभालने लगा, लेकिन पिछले एक साल में अतीक के दोनों बड़े बेटे उमर और अली को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद असद ही सारे कारोबार को देखता था। हालांकि कोई बड़ा फैसला होता तो वो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ही लेती थी। एसटीएफ के ही एक अधिकारी बताते हैं, अतीक जब भी राजनीति में अपने परिवार के किसी व्यक्ति को उतारता है तब एक खौफ पैदा करता है। जैसे खुद राजनीति में आया तब चांद बाबा हत्याकांड में उसका नाम आया। भाई अशरफ को राजनीति में लॉन्च किया तब उसका नाम विधायक राजूपाल हत्याकांड में आया। अब वो अपने बेटे असद को राजनीति में लॉन्च करना चाहता था, इसलिए असद ने उमेश पाल की हत्या की। ये तो थी असद अहमद की कहानी। चलिए अब जरा बात करते हैं एनकाउंटर में उसके साथ ढेर हुए गुलाम मोहम्मद की। दोस्तों, गुलाम प्रयागराज का रहने वाला था। उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। गुलाम का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए उसने शुरुआती दिनों से ही नेतागिरी शुरू कर दी। सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी में छात्र नेता बन गया। कई पार्टियों में अलग अलग पद पर भी रहा। यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रहने वाले सदाकत खान से उसका मिलना जुलना था। सदाकत ने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वो हॉस्टल में रहता था। उमेश हत्याकांड की साजिश उसके कमरे में ही रची गई थी। गुलाम नगर निगम में ठेकेदारी करने लगा। वो चंदन सिंह नाम के ठेकेदार के साथ काम करता था। एक बार पैसों को लेकर बात बिगड़ गई। गुलाम ने सिविल लाइंस में चंदन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ दिन बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद फिर ठेकेदारी में लग गया, छोटे मोटे ठेके उठाने लगा। 2015 में उसने लव मैरिज शादी की। 2017 में यूनिवर्सिटी में मारपीट के केस में अतीक अहमद नैनी जेल में बंद था। उसी समय गुलाम भी जेल में था। केस के सिलसिले में वो अतीक अहमद के पास गया। अतीक ने नैनी जेल में ही चंदन के परिवार को बुलाया और रुपए पैसे देकर सुलह करने के लिए कहा। अतीक की उस समय काफी चलती थी, जिस वजह से आखिरकार चंदन के परिवार ने बात मान ली। उन्होंने गुलाम के खिलाफ शिकायत वापस ले ली। इसके बदले गुलाम ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर चंदन के परिवार को पैसे दे दिए। साल 2018 में वो जेल से छूटकर बाहर आ गया।
जब गुलाम मोहम्मद का नाम उमेश पाल एनकाउंटर में सामने आया तो प्रशासन ने गुलाम के घर को अवैध बताकर बुलडोजर चलवा दिया। इस पर गुलाम के भाई राहिल हसन ने कहा कि उसने हमें रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। वो भाई है लेकिन भाई लायक कोई काम भी तो करना चाहिए था, उसने हमारे परिवार का नाम कलंकित कर दिया। ऐसे में हमारे परिवार ने इस बारे में पहले से डिसाइड कर लिया कि एनकाउंटर होने की स्थिति में हम गुलाम का शव लेने नहीं जाएंगे। गुलाम की माँ ने कहा था, मैं भी एक माँ हूँ, उमेश की भी माँ है, मैं चाहती हूँ कि गुलाम को सजा मिले, उसने बुढ़ापे में हमारा सिर झुका दिया। कभी मैं घर के बाहर इतने अनजान लोगों के सामने नहीं गई, ये दिन भी उसने दिखा दिया, उसने गलत किया है जिसकी उसे सजा मिलेगी। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि उमेश पाल की कार सुलेमसराय इलाके की एक गली के सामने रुकी। उमेश के गनर ने उतरकर गेट खोला, उमेश फाइल पकड़े फोन पर बात करते हुए नीचे उतरे, तभी उमेश पर गोलियां चलने लगी। गली के बगल में एक दुकान से हाफ जैकेट और टोपी लगाई शख्स निकलता है और पिस्टल निकालकर उमेश पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उमेश उठकर गली में भागा तो वो भी उनके पीछे चला गया। कुछ देर वापस लौटा तब से उस शख्स का चेहरा किसी ने नहीं देखा। पुलिस का कहना है कि यह शख्स गुलाम मोहम्मद है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के 13 दिन बाद पुलिस को एक सुराग मिला। 24 फरवरी की शाम जिस समय उमेश पाल की हत्या की गई थी उस समय माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के साथ उसका एक दोस्त भी क्रेटा कार में बैठा था। हत्या के समय वो कार से नीचे नहीं उतरा था। पुलिस का मानना है कि उसे बैकअप में रखा गया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे सुर्खियां में आ गए। सीसीटीवी में उमेश पर गोलियां दागता अतीक का बेटा असद दिख रहा है। ऐसे में एक और वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर दावा है कि वो असद के बचपन का है। इसमें अतीक अहमद की आवाज है कि चलाओ गोली। दरअसल ये वीडियो 2017 का है। उस वक्त उसकी उम्र करीब 12 साल थी। वो एक शादी समारोह में हवाई फायर कर रहा था, साथ ही बैठे परिवार के लोग तारीफ में और चलाओ कह रहे थे। ये फायरिंग माफिया की ही एक शादी समारोह की थी। लोग बताते हैं कि अतीक अहमद अपने बच्चों को बचपन से ही फायरिंग की ट्रेनिंग देता था। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे पकड़े गए ये दोनों। दोस्तों उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद और गुलाम सबसे पहले बाइक पर बैठकर कानपुर पहुंचे थे। कानपुर से दोनों ने बस ली और नोएडा डीएनडी पर उतरे। नोएडा डीएनडी पर पहले से ही दोनों के कई साथी मौजूद थे। उन्होंने दोनों को ऑटो में बिठाया और दिल्ली के संगम विहार लेकर गए। संगम विहार में असद और गुलाम 15 दिन तक रुके। दिल्ली में 2 हफ्ते से ज्यादा तक वक्त बिताने के बाद दोनों अजमेर पहुंचे। अजमेर में भी दोनों कुछ दिन तक रहे, फिर अजमेर से दोनों झांसी चले गए। झांसी में अतीक अहमद के कई करीबियों के होने की जानकारी यूपीएसटीएफ को पहले से ही मिल गई थी, इसलिए पुलिस की टीम ने झांसी से 2 मददगारों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ने गई। पुलिस उन्हें जिंदा पकड़ना चाहती थी, पर पुलिस को देखते ही असद और गुलाम ने उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी गोलियां चलाई और दोनों मारे गए। यूपीएसटीएफ के एडीजे अमिताभ यश ने भी बताया कि पिछले 1.5 महीने से पुलिस असद अहमद और गुलाम को ट्रेस कर रही थी। एक बार तो गुलाम 5 मिनट की देरी से मिस हो गया था, पर इस बार उन्हें अजमेर में लोकेट कर लिया गया। तो दोस्तों आपका इस एनकाउंटर के बारे में क्या कहना है, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।